नमस्कार। नकली औषध कारबार रो मुख्य अभियुक्त शिवप्रसन्न जेना को गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच रो एसटीएफ। सामना को आसिछि नकली औषध कारबार रो असल कहानी। नकली औषध कंपनी सह डील करथिले शिव जेना 65 टंका रे औषध किणी 1290 टंका रे करथिले बिक्री। यहा सह बेआईन अर्थ कारबार रे भी शिव जेना को संपृक्त थिबा अभियोग होइछि। हेले केमिति होइथिला हे डील, केमिति शिव जेना को जरिया रे ओडिसा बाजार रे पहुचिथिला नकली औषध, आज चार्जशीट देखा विस्तृत रिपोर्ट। सामना को आसी सटडाउन रे सेक्स राकेट्र चित्र उद्धार होती बांग्लादेशी देहजीवी। सेपटे आउ एक घटना भी राज्य में हटचमट सृष्टि करते प्रेम बह को केन्द्र कर दुई राज्यर पुलिस मुहांमु होते आर्ट्रु मिली न्याय एसबुक नहीं आरंभ करवा आज चार्जसीट। ओडिशा रे नकली औषध कारबार रो मुख्य कारपटदार शिव जेना को गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ। राज्य बाहर रो बेआईन कंपनी सह शिव जेना को कनेक्शन नहीं प्राथमिक तथ्य मिलवा पर कटक रही लाभखोर औषध व्यवसायी को बांधिछि क्राइम ब्रांच। सेपटे नकली औषध कारबार पछरे एक बड़ राकेट काम करुथुबा कहिछि औषध विक्रेता संघ। चार्जशीट आरंभ रो नजर पकांतु केमिति चलिथिला नकली औषध कारबार, नकली औषधर असल कहानी। पुलिस हेफाजत रे ओडिसारे नकली औषध कारबार रो मुख्य अभियुक्त शिवप्रसन्न जेना। मेडी लॉयर मेडी कमांड रो मुख्य शिव जेना राज्य बाहर रो नकली कंपनी सह डील करी ओडिसा बाजार रे नकली औषध बिक्री करितिबा नै तथ्य क्राइम ब्रांच को मिलिबा परे तांको गिरफ करी कोर्ट चलान करा जायछि। यहा सह ई मामला रे गिरफ होइछंती शिव जेना को पत्नी तथा मेडी लॉयर मेडी कमांड रो अन्यतम एमडी शुभलक्ष्मी जेना। डीजीपी कहिछंती हिमाचल प्रदेश रो मैक्स रिलीफ हेल्थ केयर नामक एक नकली औषध उत्पादनकारी कंपनी सह डील करथिले शिवप्रसन्न जेना। कोविड समय रे अति कम मूल्य रे नकली फाबिमैक्स टैबलेट मगाइथिले, जे 10टी टैबलेट रो मूल्य 65 टंका थिला ताकु से 1290 टंका रे बिक्री करथिले। शिवप्रसन्न जेना को अकाउंट रो जबत होईछि 50 लाख टंका। स्पुरियस ड्रग्स बाबद रे आम गोटे बड़ केस करा जायछि जोटा एसटीएफ नैछि। से केस रे एसटीएफ बहुत सारा स्टेट रे तदंत आरंभ करिछि एवं 50 लाख टंका रो बैंक अकाउंट भी फ्रीज करिछि। केसे आउट भल सफलता काली पाइथिला एसटीएफ जेते बेले तीनटा अक्यूज अरेस्ट करा जायथिले। आउट गोटे बड़ सफलता पाइछंती एसटीएफ जे मेन कंपनी अछि मेडी लॉयड मेडिका मेन प्राइवेट लिमिटेड, ता जे मैनेजिंग डायरेक्टर अछंती ने केस से जे प्राइम अक्यूज ताको एसटीएफ अरेस्ट करिछि। निज पोल खोलुथुबा जानिबा परे पूर्वरो मुह टाण करुथुबा शिव जेना कोर्ट को द्वारस्थ होई अग्रिम जामिन पय आवेदन करथिले। हेले जामिन मिलि नथिला। सेपटे क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ हेबा परे शिव जेना जामिन पय आवेदन करिछंती, जहार सुनाणी सोमवार दिन हेबो। आ शिव जेना पडिसला परे आमे सर जामिन में दाखल करथिलु, कोर्ट दागु रखिले सोमवार पय दा जामिन रे सुनाणी पय, जेहेतु अन्य मुद्दा मानकर सोमवार पय रहिछि आ इन्वेस्टिगेशन कोन हेजी बोली केस जज मगा जाइए सोमवार पे रहा। जेहेतु आम ड्रग्स तैयारी करूँ आम जो मेयर डिस्ट्रीब्यूटर आम कंपानी आनी सप्लाई करूँ। शिव जेना विरोध में लगी एकाधिक दफा, नजर पकातु शिव जेना विरोध में कौन सब चार्ज लगे एसटीएफ। दफा 275 अर्थात निज जानत अपमिश्रित औषध बिक्री करिबा। दफा 276 अर्थात गोटे औषध को भिन्न रूप से बिक्री करिबा। दफा 420 अर्थात ठकेई। दफा 34 अर्थात एकाधिक व्यक्ति संपृक्ति। ड्रग्स एक्ट धारा 27 अर्थात अपमिश्रित औषध बिक्री संपर्कित मामला। 276, 420, 34 आईपीसी, 27 सी ड्रग्स एक्ट। मार्क्स रिलीफ हेल्थ केयर नामक बेआईन कंपनी ठारु नकली औषध किणी ओडिसा बाजार को छाड़ी शिवप्रसन्न जेना। एही घटना रे मार्क्स रिलीफ हेल्थ केयर मालिक संदीप मिश्र और यार प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर सुदीप मुखार्जी को पूर्व गिरफ कर सारी मुंबई पुलिस। सेपटे शिव जेना औषध किणी ओडिसार औषध व्यवसायी वर्तमान क्राइम ब्रांच रो स्कैनर को आसमें। भुवनेश्वर एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल परिसर में औषध दुकान करथिबा जने व्यवसायी शिव जेना विपुल परिमाण औषध किणी जमापड़ी। झारसुगुड़ार चारिजण व्यवसायी शिव जेना औषध किणी स्पष्ट होती। एमती कि झारसुगुड़ार केतेक डाक्तर सेठाकर औषध दोकानी जरिए औषध किणी सेगुड़ी को निज निज हस्पिटाल व्यवहार कर। बहुत औषध दोकानी टारगेट अच्छा सारा ओडिशा रे जेते स्टॉकिस्ट को से माल देता स्टॉकिस्ट माने रिटेलर को माल देते गुड़ाए डाक्तर नर्सिंग होम को माल सप्लाई होती बर्तमान समस्ते सन्देह घर अच्छा
ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଟେଲ୍ ଦୋକାନୀ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଛି, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କିଣିକି ଆଣି ରଖିଛି, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଯାହା ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରାବିଧାନରେ ତା ଉପରେ ବି ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ବିଲ୍ ହେଇକି ମାଲ୍ ଯାଇଛି ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ପାଖରୁ, କିଛି ଡକ୍ଟର ନିଜେ ବି ଔଷଧ ରଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିଛି। ଶିବଜେନା ସେନା ଗିରଫ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଜେନାକୁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର। ଶିବଜେନାଙ୍କ ନକଲି ଔଷଧର ଚେର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ଲମ୍ବିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଶିବଜେନାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିସାରିଛି। ଏମିତିକି କିଛି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଶିବଜେନାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଅୟସ ଆରାମର କାହାଣୀ ନେଇ ବି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଶିବଜେନା ବେଆଇନ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ଶିବଜେନାର ନକଲି କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ କାରବାର ପଛରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି ପଛରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ଏହି କନ୍ସ୍ପିରେସି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିବଜେନାର ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ତ ଶିବଜେନା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା, ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୋଏଡ଼ାରେ ଏ ରଙ୍ଗମହଲଟି ଥିଲା। ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଶିବଜେନା ଲିଜ୍ରେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୁରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଆସର ଜମୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ପି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମିଳିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶିବଜେନା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଇଡିର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିବଜେନାର ଏହି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବା ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଇଡି ନେଇପାରେ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଶିବଜେନା ନେଇଥିଲା, ଏହା କହିକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ମେଡିକାମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାର କରିବ, ଅଂଶୀଦାର କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା କହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଔଷଧ ବେପାରୀ ବା ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କାହାଠୁ 20 ଲକ୍ଷ, କାହାଠୁ 40 ଲକ୍ଷ କରି ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଡିର ଖଣ୍ଡା ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ବୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ତଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ସୁଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀକୁ ଶିବଜେନା ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କାରେ କାଳେ ସେ ନକଲି କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ ବା ଫାବିମାକ୍ସ 400 କିଣିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ 65 ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ସେ 1290 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲା, ତେଣୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ କିଣିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତା। କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଔଷଧକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତା ଶିବଜେନା। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିବଜେନାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବଜେନା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ଘଟଣା ଦିନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାଳରେ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ କାରବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବା ବିତରକଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଔଷଧ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁମତି ପତ୍ର ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଶିବଜେନାଙ୍କ ନକଲି ଔଷଧର ନେକ୍ସସ୍ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
एणु पूरा घटना उपरु परदा हटाइबा सबुठारु बड़ चैलेंज। यार भितर आईनजीवी कहिछन्ति आईपीसी ओ ड्रग्स आक्ट आधार रे शिवजेनाक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान हेबा आवश्यक। हाँ बाकी आम 150 खंडे कंपनी को सर्टलिस्ट करी सब कागज पत्र अबिका मागुचु फर भेरिफिकेसन एवं बर्तमान सुधा 7-8 कंपनी आसी रेकर्ड सब आसी जाए भेरीफाए करूँ सटडाउन करें भेरीफाए करूँ आम प्लान अच्छे जो 150 कंपनी को आम सर्टलिस्ट करूँ तादर जी दरकारी कागज पत्र जमी मानुफैक्चरिंग लाइसेंस कॉपी हो जीएमपी सर्टिफिकेट हो कंसर्न स्टेट्र ड्रग लाइसेंस पर्टिकुलर ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो आनाडी प्रोडक्टर आनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट हो जो प्रोडक्टर आनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट आणिके हमको न देई पारिबो से कंपनी ओडिसा बिक्री हमें बंद कर दो। सो जो माने ये कामिले कोला कारोबार बा ये जो ब्लैक मार्केटिंग कहि परिबा स्पोरियस ड्रग रो जो कारोबार रे जो माने लिप्त सेमान अगेंस्ट रे कठोर कार्यानुष्ठान पे प्रावधान अछि एक्ट 27 अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेतर 1,00,000 पर्यंत जोरिमाना 5 वर्ष पर्यंत सश्रम कारादंड ता सहित जदि कोर्ट फील करिवे ए माने ए जो महामारी समय रे जो प्रकार असाधु व्यापार करिसेंति एवं लोकंकर जीवन मरण संग्राम करथवा समय जो डुप्लीकेट औषध बिकिसेंति सेति पई ताकु लाइफ इम्प्रिजनमेंट मध्ये मध्ये करा जाय परिवो ए व्यवस्था आइन रे अछि। तेबे ने अधिक आलोचना करबा पई आम सहित डाक्टर भरत पाणिग्राही वरिष्ठ चिकित्सक फोन लाइन जोड़ी होती सार आपको न्यूज 18 चार्जसीट कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। अनेक समय रे विभिन्न चिकित्सा एवं विभिन्न रोग संपर्क आलोचना करी सर किंतु वर्तमान समय रे जो नकली औषध कथा आसुची प्रकृत में जो औषध दुकानी रही से माने जो ब्रांड रो औषध किणुचंती ताहा केते ठीक केते अनुमति प्राप्त जानिबार सुजोग केते रही थाए एवं जणे डाक्टर पाखकु जेतेबेले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बा मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव आसंती एवं निज ब्रांड को ऑफर देथांती सेतेबेले डाक्टर भूमिका कौन रहिबा उचित सर। हेलो सर सर जेतेबेले कोनोसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बा मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव आसुचंती डाक्टर को मेडिसिन ऑफर करुचंती निज ब्रांड रो प्रिस्क्राइब करबा पई से समय डाक्टर भूमिका कौन रहिबा उचित एवं मेडिसिन दुकानी छोटो छोटो दुकानी को पाखरे स्कोप रहिछि कि केउ मेडिसिन असली बा नकली जानिबा पई। हां देखंतु ये डाक्टर तो बर्तन आप कहे डाक्टर और मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव देखो तो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव मान जो कम से सब मेडिसिन के मानने प्रचार करेंगे मेडिसिन विषय कहे कि डाक्टर मान काम होगा ये आम सब देखा दरकार ये कंपानी क्रेडिबिलिटी को कंपानी रिप्रेजेंटेटिव से बर्तन आम नेशनल इंटरनेशनल लेवल से कंपानी मान क्रेडिबिलिटी कौन ये मानने स्टाटस कौन तेनाली से आमको परीक्षा करा पड़ो कहीं आम तो डायरेक्ट कौन सी जिनस को आम मेडिसिन की लैब को पठे तो परीक्षा करें केवल कंपानी क्रेडिबिलिटी अनुसार आमर गोटे सब विश्वास कि ना ये कंपानी स्टाटस इंडिया भल ये कंपानी क्रेडिबिलिटी भल तेणु आम निश्चय ये कंपानी पर डिपेंड करवा सीटा हूँ गोटे बड़ मेन फैक्टर जे आम क्या विश्वास करूँ क्या विश्वास न करूँ तेणु आप कहे ये कंपानी गुड़ाक बहुत आजिकल तो छत फुटा भाया कंपानी आसुचु से कंपानी की पुणी एगेन से आसीज परमिशन आने औषध बिकवा भी परमिशन आणु से जेहेतु अलरेडी डीसीज परमिशन आणिकी बिकुं तेणु सेगुड़ा अवश्य जो मैंने मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव मैंने आसुच डाक्टर मान पाक स्पेसीफिकाली एस्टाब्लीश डाक्टर मानते भी कौन सी फ्रेस कंपानी आसती सर निर्दिष्ट भाव में जितेबाला कौन नुआ कंपानी आसुच्चन्ती तृणमूल अंचल उपांत अंचल कौन अंचल को जाते से ही अंचल में डाक्तर दायित्व कौन रहा कथा कौन प्रकार सर्टिफिकेट जांच कर आवश्यकता रही कि प्रथम दिग्व साधारण लोकटे जो मेडिसिन खाऊ से बा जानव कमी सर जे से असली मेडिसिन खाई बा नकली मानने आक्रेडिटेड ना ना से कंपानी डीसीएच आप्रुव ना से मेडिसिन डीसी आप्रुव ना कहीं स्पेसीफिकली जिते बे लाइफ सेविंग मेडिसिन से आम लिखुचे तेनाली आम बहुत ध्यान देवा उचित आम भेरी मच भिजिलेंट हवा उचित जे प्रकृत में ये जो नुआ नुआ कंपानी आसुच्च कौन आसुच्च क्रेडिबिलिटी कौन स्टाटस कौन
ମେଡିସିନ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ବିତରକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସୁଛି, ସେ ତମାମ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଁ। नजर पकाइबा अपराध दुनिया द्वितीय सेगमेंट उपरे। शटडाउन रे सेक्स राकेट, ताला बंद बेले देह बेपार खुला, कोरोना कटकणा बेले सक्रिय होइछंती सेक्स राकेट दलाल। ट्विन सिटी रु आरंभ करी बांग्लादेश पर्यंत लंबिछि देह बेपारर गोलक धंदा, धरा पड़िछंती दलाल, उद्धार होइछंती देहजीवी। देखंतु हे रिपोर्ट। शटडाउन रे सेक्स राकेट, धरा पड़िले दलाल, उद्धार हेले देहजीवी। कटक, तारीख 12 जून 2021, अंबिका रेसीडेन्सी। कोरोना कटकणा पाई बंद थिबा लज रे चली थिला देह बेपार, चढ़ाऊ कला कमिशनरेट पुलिस आउ लज भितर उद्धार हेले तीन जन युवती। एहा सह जने ग्राहकंकु भी गिरफ कला पुलिस। अंबिका रेसीडेन्सी रे चढ़ाऊ चली थिबा बेले शंकरपुर दास साहिरु भी ठाबो हेला आउ एक सेक्स राकेट। बादामबाड़ी पुलिस रो चढ़ाऊ बेले धरा पड़िले राणी मोहमाछी। दुई देहजीवींकु पुलिस उद्धार करिथिबा बेले जने ग्राहकंकु बांधिथिला पुलिस। एहा सह अनेक आपत्तिजनक सामग्री भी जबत होइथिला। अंबिका रेसीडेन्सी होटल ले गोटे इलिगल सेक्स एक्टिविटी चलची बोलिकी, एवं से आधार आसिकी एटी आमर लेडी पुलिस अफिसर एवं से माने आसिकी एटी रेड कले। रेड कला बेले रूम नंबर 205, से रूम नंबर 205टा आसिकी प्रथम खबर मिलता 205 रे ही इलिगल एक्टिविटीज होउची। तो से आधार आसी प्रथम रिसेप्शन सेंटर मैनेजर जी अच्छी पचारे 205 रे किए अकुपाट अच्छा। कंप्यूटर में देखा सीट कई अकुपाट नथिले, खातारे मध्य रजिस्टर के मध्य नथिले अकुपाट। तापर एम 205 रूम को गले सेठी देखिले जड़े युवती सीटी थिले, एवं आउ जड़े जेंट्स कस्टमर सी मध्य सीटी थिले। बाहर आउ जड़े पीप बिल जाऊ को आउची, जी की एथरे किंग पिन माने लेडीज मान को जोगाड़ करती एवं आणती एवं ये एक्टिविटीज नियोजित करती, सी मध्य बाहर उपस्थित थिले। भुवनेश्वर बुद्धेश्वरी कॉलोनी, तारीख 20 जून 2021, बुद्धेश्वरी कॉलोनी रही घरे चली थिला हाई प्रोफाइल सेक्स राकेट। रातिक पाई 10,000 टंका रे हेउथिला देह बेपारर डील। हेले लक्ष्मी सागर थाना पुलिस पाखरे पहुंची जाईथिला खबर, आउ ता परे होईथिला रेड। जणे देहजीवी को उद्धार करबा सह तीन जण युवकंकु गिरफ कला कमिशनरेट पुलिस। एहा सह अनेक आपत्तिजनक सामग्री मध्य जबत करा जाईथिला। हमर एटा बुद्धेश्वरी कॉलोनी रु धराइछि, आमर गोटे इनफर्मेसन थी जे सेक्स रैकेट चली, आम स्टाफ जाइए गला तीन जन पु आ गोटे झील धराई तार चली अना पचरा चरा चली जबत हाँ हो मोबाइल होपत्तिजनक जिनस सब जबत हो से अच्छी इन्वेस्टिगेशन हेले जाना पड़े। पुलिस खबर पाइथला एवं अतर्कित चढ़ाऊ करया परे ए घरु तीन जण युवक एवं जणे युवती को पुलिस उद्धार करिछि। एवं आमे आपन को देखौ चित्र, ए जो रूम रहिछि ए रूम रे चलिथला सेक्स रैकेट। विशेष करी जेतेबेला पुलिस अतर्कित चढ़ाऊ करथला सेमाने फेरर हा पई योजना करथिले, किंतु पुलिस आखिया गरु सेमाने खसी जाई पांदथिले। तो परवर्ती मुहूर्त रे सेमान को पुलिस गिरफ करिछि। जो तीन जण ग्राहक थिले सेमान को मध्यरु जणे गेस्ट हाउस को गेस्ट हाउस रा बुझाशुआ करथिले, गेस्ट हाउस से भड़ा नैथिले, मासिक 25,000 टंका रे से भड़ा नैथिले। ता परवर्ती मुहूर्त रे से जेतेबेला शटडाउन लॉकडाउन चलिथिला सेही समय रे सेठारे सेक्स रैकेट कारबार चलथिले। तो एभली घटना पुलिस पई नुआ नुह, जेतु पूर्वरु एभली घटना सामना को आसीथिला। तो पुलिस लगातार भाबरे पूर्वर मध्य दुई थरा पुलिस चढ़ाऊ करिछि, दुई थरा फेल मारछि। एवं आज जेतेबेला पुलिस खबर पाइथिला अतर्कित चढ़ाऊ करथिला, चढ़ाऊ परे जणे युवती को उद्धार होइछि एवं तीन जण युवक को पुलिस गिरफ करिछि। 22 जून 2021 जाजपुर, देह व्यापारर विदेशी कनेक्शन, सेक्स कारबार रे बांग्लादेशी युवती। कहां से? बांग्लादेश से। अच्छा, यहां पे क्यों आया, कैसे आया? दलाल ने यहां पे मेरे को लेके आया, दलाल यहाँ से लेके आया, दलाल बांग्लादेश से मेरे को कोलकाता पे लेके आया था, घर का काम कराने के लिए मेरे को लेके आया था। घर का काम से मेरे को धंधा का काम पे मेरे को दे दिया। इसके अंदर था अजय कुमार दास था इसके अंदर, और उसका लड़का तो इसके अंदर नहीं था, सूरज कुमार दास वो मेरे को जान पता नहीं ली, वो मेरे को कोलकाता से चला गया था, उड़ीसा लेके आया था, उड़ीसा से
लेकर गया था गंगोड़ी में। ये हेउची ओडिसा पुलिस द्वारा उद्धार होइतिबा जणे देहजीवीक कहानी जे कहउछंती केमिति दलाल जरिया रे बांग्लादेश रु फाया कोलकाता दे ओडिसा आसिले तबे घर काम करबा पय आसीथिले हेले बनी गले देहजीवी। धर्मशाला थाना रे गोटे खबर आसीले कि जणे झियो कर ह्यूमन ट्राफिकिंग रो विक्टिम अछि बोली से झियो को रेस्क्यू करा गेला आ इन्वॉल्वड अक्यूज्ड ताकु धरिके पुलिस धरला आ अरेस्ट करके फॉरवर्ड करा जाइछि। से झियो को सेफ कस्टडी रखा है छि फर्दर इन्वेस्टिगेशन परे अपडेट्स कहि परे। हेले देह व्यापार रही कहानी भितरे लुचि रही छि आ एक ट्विस्ट बापा दलाल पुओ प्रेमिक जाजपुर धर्मशाला रा अजय दास बांग्लादेशी युवती को कोलकाता को आनी देह व्यापार रे लगाइले। हेले अजय को पुओ को सह युवती को गढ़ी उठिला प्रेम संपर्क माने बापा दलाल को पुओ प्रेमिक अजय को पुओ ओ युवती उभय बंगलुरु चली गले। आ ई खबर पाइ छि कि उठिला दलाल बापा अजय दास कारण व्यापार बंद होइ छिबो तेनु कौशल क्रमे अजय निज पुओ बांग्लादेशी युवती को धर्मशाला आनी एक भडा घरे रखिले। हेले कोनसी मते घर मालिक को सब कहि देले बांग्लादेशी युवती आउ सामना को आसिला ह्यूमन ट्राफिकिंग तथा देह व्यवसाय रा सांघातिक कहानी। जाजपुर पुलिस दलाल अजय दास को गिरफ्त करथिबा बेले युवती जणक बांग्लादेश फेरि जिबा पई मन बळाइ छथि। सुरस्त मैंने भरसा किया था क्योंकि सुना था जो अजय का लड़का है ऐसा सुना था, इसके लिए मैंने उसके साथ मतलब वहां पे ही मेरा दोनों का अंदर लाभ हो गया था, इसके लिए उसके साथ मैं भाग गया था। मेरे को उतना डरने लग रहा था, मैं सोच रहा था जब क्या वो जैसे करके मेरे साथ बात किया था लाभ जैसे करके किया था तो मैं सोच रहा था जो वो मेरे को अच्छा ही चाहता है वो मेरे को बुरा नहीं चाहेगा। अभी क्या सुरोज छोड़ के चले गए क्या? नहीं सुरोज मेरे को छोड़ के नहीं गया, मेरा सुरोज अभी जेल के अंदर ही है, वो मेरे को कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो सुरोज मेरे को यही बोल रहे मेरे को शादी करने के लिए, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ हिंदू है इसके लिए चार्जशीट्र तृतीय पर्यायर नजर पकाइबा लव अफ टू स्टेट्स उपरे। जणे युवतीक पई मुहामुही होइगले दुई राज्यर पुलिस, हेले प्रेम आगरे हार मानिला पुलिस। एठी चार्जशीट दायर होइनी हेले हटिछि चार्ज, पुलिस कोर्ट कचेरी ओ मामला भितरे जितिछि लव अफ टू स्टेट्स। चार्जशीट्रे आमे एथिपाई ए कहानी को स्थान देउछु जेहेतु प्रेम पई आईनगत लढेइर कहानी एथिरे जोड़ी होइ रहिछि। इस प्रूफ का मेरे पास टेंथ का मेरा सर्टिफिकेट भी है, मेरा आधार कार्ड भी है, मेरे पास सब है और वो लोग एक फेक आधार कार्ड बनाने का भी कोशिश कर रहे हैं। ये हेउची उत्तर प्रदेश रो झियो आकांक्षा सिंह को बयान, जे निजर बयस प्रमाण पत्र विषय रे कहउछंती आ साबालिका हेबार परिचय देउछंती। हेले काहे कि जने युवती सर्वसाधारण रे निजर बयस को प्रमाणित करबा पई जोर देउछंती, सुनंतु एही प्रतिक्रिया। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, गोरखपुर से आई हूं और मैंने अपना ये भुवनेश्वर में आके मैरिज किया है। मैं 18 प्लस हूँ और मेरा पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा ऊपर से मेरे ऊपर मेंटली हरासमेंट भी कर रहे हैं कि ले चलो यहाँ से, ये कर दूँगा पुलिस को बोल दूँगा। और मेरा हस्बैंड पे गलत आरोप लगाया है, केस किया है कि वो लोग मुझे किडनैप करके यहाँ पर ला के शादी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। वहाँ पर एक लेटर भी छोड़ के आई थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और यहाँ पर आती मैंने शादी किया है और कोर्ट में मैंने रजिस्टर भी कर दिया है। 30 डेज बाद मुझे अपना सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अपहरण नुहे निज इच्छारे आसिछंती युवती, कोर्ट रे विवाह करिछंती। भुवनेश्वर सुंदरपदर युवक पृथ्वीराज पंडा को भल पाउथिले आकांक्षा। गत 16 तारीख रे से उत्तर प्रदेश रु भुवनेश्वर चली आसिथिले, हेले घरु झियो चली जिबा परे अपहरण होइतिबा नै स्थानीय थाना रे अभिजोग करिथिले आकांक्षा को परिवार लोके। गोरखपुर पुलिस से झियो को खोजी खोजी भुवनेश्वर पहुंचिथिला, हेले युवती को सबु तथ्य जांच करिबा परे यूपी पुलिस और कमिश्नर पुलिस मधरे छकापंझा होइतिला। परिस्थिति अणात हेबारु कोर्ट रे पहुंचिथिला मामला। कोर्ट रे बयान रेकर्ड परे कोर्ट कहिसेंती युवती साबालिका तेनु निजो इच्छा अनुसारे से रहि परिबे।
सबसे पहले मीडिया को भी थैंक यू, आप लोग मेरा हेल्प किए, यहाँ का उड़ीसा पुलिस भी बहुत अच्छा, उसने भी हेल्प किया और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मैं अपना इन लॉज के घर जाऊँ, जो बोलना था बोलिया, हो गया सब ठीक है, मेरा फेवर में हुआ सब कुछ। क्या आपका जान को खतरा है, आप महसूस कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, अब ठीक है सर। ये तो गोटे एलिगेशन विक्टिम जी है जे नाबालिका बोली कहते, एक्चुअली सी मेजर गर्ल 18 इयर्स ऑलरेडी एज कम्प्लीट हो जाए तार से जेहेतु यूपी आसी पेरेन्ट्स गोटे के देते से आसी रिक्सक गला लोकाल पुलिस द्वारा ताकू जेहेतु बेटर ताकू जस्टिस मिलवाई ये प्रेयर करते वन सिक्स फोर स्टेटमेंट ऑलरेडी मजिस्ट्रेट पर स्टेटमेंट रेकर्ड भी है जेहेतु सी साबालिका तार आम आज पर प्रोविजन ल अनुसार तार राइट्स अच्छी सी रहीपर तेणु सी चाहला जे तार हजबैंड एवं इलंद सहित भलरे अच्छी रहिबो। कोर्ट को राय परे प्रेम को नहीं दुई राज्य पुलिस मुहांमुही हेबा स्थिति रे विराम लागिछि, यहाँ परे निराश होई फेरि जाइछि गोरखपुर पुलिस। सर ता बापा ये रिपोर्ट को सर तांको सिटी गुड केस हेतला से तांको 363 गुड केस हेतला केस हेतला तने को जे आसला परे एठी तांको सॉर्ट रूम रे फाइनली कोन होला फाइनली हेला से तांको 164 सल्ला परे तांकर इनलॉज पाको आसले आमे तांको सॉर्ट रूम रे रखे दिलु आने के यूपी पुलिस यूपी रे गुड केस हेतला से आसला परे प्रोसीजर को 164 बोलले वर्तमान से कोर्ट डायरेक्शन छै तांकर से आयो तांको डिस्पोज करे तां इनलॉज पाको। लड़की के पिता ने लिखवाया था कि इसको भला फुसला करके पृथ्वीराज पांडा ने मतलब वहाँ गोरखपुर से भला फुसला कर यहाँ भुवनेश्वर बुला लिया है। अच्छा, फिर यहाँ आया तो जानकारी हुई दोनों शादी कर चुके हैं। अच्छा, आज इन्होंने 164 में बयान दिया है, चूँकि लड़की बालिग है। अच्छा, तो अपना फैसला खुद कर सकती है। प्रेम पाई पुलिस तो कोर्ट कचेरी द्वारस्थ हेले उत्तर प्रदेश युवती और भुवनेश्वर युवक हेले शेषे लव अप टू स्टेट आगे हार मानिले परिवार और पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ए घटना आम एथि पई आपणंक सामने उपस्थापित कलु काहेकी ना एथिरे मिथ्या मामलार अभियोग एवं मधुचंद्रिका भी छंदी होई रहिछि। या सहित साबालक एवं साबालिका होंतु बा नाबालक होंतु बा नाबालिका सेमानंकर अधिकार कोण, अभिभावकंकर उत्तरदायित्व कोण, तार भी गोटे स्पष्ट चित्र सामनाकु आसिछि काहेकी ना कोर्टरु न्याय मिलिछि। तेबे सतर्क रुहंतु, सजाग रुहंतु एवं अपराध विषयरे खबर पाइले तुरंत पुलिसर सहायता दियंतु। चार्जशीट को एठी रखुछु, नमस्कार।